सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स रूम सॉल्यूशन ऑफ फाइनल मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। पिछली वीडियो में हम लोग सॉल्व किया था 15 और 17 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट 3 क्वेश्चन है, यही सॉल्व करके एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगा। और जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं आया है, मैं चाहूँगा कि उनका सॉल्यूशन सॉल्व करके जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बात, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़, अगर ये वीडियो अच्छा लगे पूरा देखने के बाद, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो और शेयर जरूर करें फ्रेंड के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 चालू करते हैं और देखते हैं बनाते हैं क्या होता है, ठीक। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास दिया हुआ है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आप, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये वाला इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करके इस कंडीशन का हेल्प लेके आप इसका आंसर बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होना चाहिए। तो चलो सॉल्यूशन की ओर थोड़ा सा मूव करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन होना क्या चाहिए, ठीक है। सबसे एक और बात, यहाँ पर जिनको थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से आता है तो वो थोड़ा वीडियो फास्ट करके देखें, ताकि उनको और उनका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, वो अच्छे से समझ पाए जल्दी से, ठीक। और जिनको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो एज यूजुअल देखें, ताकि उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और वो जिंदा कुछ कोई भी क्वेश्चन में से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर ए बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सॉल्व करना है इसको हमें इक्वल टू जीरो होता है, ठीक। ये मतलब इसका एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं सिंपल, क्या किसी की रो गया अगेंस्ट। एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक्स का टर्म्स आएगा, मतलब एक्सपेंशन के बाद भी वही काम होगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा क्या होगा, आसान हो जाएगा। कैसे, चलो बताते हैं। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। अब आप लोग कुछ देख सकते हो यहाँ पर, कुछ कॉमन चीज क्या करना है, कॉमन चीज आप लोग क्या करना है, खोजना है इसमें से, क्या कॉमन खोजना है। देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को देखना है कि कहीं रो जोड़ के, तीन रो जोड़ के या तीन कॉलम जोड़ के, क्या वो सेम चीज़ तो नहीं आ रहा है, तीनों रो या तीनों कॉलम जोड़ के। जैसे कि यहाँ अगर आप लोग इस तीन कॉलम को, इस तीन कॉलम को और इस तीन कॉलम को जोड़ेंगे तो सेम चीज़ ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स और ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो इससे क्या होगा फ़ायदा सर, फ़ायदा ये होगा कि ऊपर में आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स आ जाएगा, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, वन वन वन। बातें क्लियर हो रही है, वन 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 बच गया तो क्या बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, यहाँ पर हम दो जीरो प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, जब और करेंगे मतलब क्वेश्चन जब डिटेल में करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो इसको डिटेल में करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ अप्लाई करते हैं रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग बताओ यहाँ कौन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो कॉलम, रो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो वन को चेंज करेंगे रो वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री में, ठीक। तो चलो यहाँ पर क्या किया, रो वन को रूट टू प्लस रूट थ्री में चेंज किए। चेंज करने के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, ठीक। कॉमन लेने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। सिंपली कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, वन वन वन, ठीक। बचा क्या हमारे पास, यहाँ बचा वन वन वन। और एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात है कि ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ इस कंडीशन से दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से प्लेम क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे, बचा गया माइनस एक्स, क्लियर। और यहाँ क्या, वन वन वन, और यहाँ ए सी बी सी जोड़ दिया हुआ हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक। फिर हम इसे क्या करेंगे, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और सिंपली इसको दो जीरो बना लेंगे और सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये बचा जीरो माइनस एक्स, वन सी बी, वन बी माइनस एक्स ये बचा, और यहाँ क्या है, वन ए सी माइनस एक्स, ठीक, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। मतलब देखो दिखाता हूँ मैं, ये वाला कॉलम जो है इसको कांस्टेंट पकड़ लेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे, मतलब सी वन को चेंज करके सी वन माइनस सी थ्री, सी टू को चेंज करके सी टू माइनस सी थ्री, यही करना है हमें। आ क्योंकि यहाँ जगह जगह जीरो जीरो, यहाँ क्या जगह वन, ठीक। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो क्या, आगे देखते थोड़ा सा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ब्लैंक स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो है,
इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं आप लोग बताओ मुझे। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, बचपन में करते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स कर देते थे एक तरफ, एक्स और यहाँ एक्स काट देते थे, बचता क्या था एक्स इक्वल टू टू। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है? नहीं, इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का, क्या इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है। कौन कौन सॉल्यूशन? जब हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन बचते हैं, क्या है एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस टू। ठीक, तो सिमिलरली उसी तरह से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सिमिलरली उसी तरीका से हम लोग क्या एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो कर ही सकते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों में क्या है मल्टीप्लीकेशन में। हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट के लिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, वो लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक तरफ की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है जीरो निकाल ली है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास जीरो, जो यहाँ क्या हो गया फिक्स हो गया। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट में हम क्या किए, यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं। आप लोग बताओ क्या स्टेप है, वीडियो पॉज करो और बताओ कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पॉज कैसे लगा हुआ है। तो देखो आप लोगों ने बना ही लिया होगा, तो हम लोगों ने लगाया कैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। C1 को हम लोग चेंज किए किससे, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3। सिमिलरली C2 किससे चेंज किया, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक, सिंपली आपको माइनस प्लस तो आता ही होगा, सिंपली आप क्या करो वहाँ माइनस प्लस लगा और देख सकते हो कि कैसे वहाँ चेंजेस आए हैं। ठीक, मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जरूर मैसेज करें, वोट करें, ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतर हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास बचता क्या है, जीरो जीरो और वन। ठीक, यहाँ सी माइनस ए, बी माइनस एक्स माइनस ए और यहाँ क्या बचेगा ए। ठीक, अब देखो क्या आपको लगता है ये कहीं अप्लाई कर सकते हैं कॉलम या रो ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे तो नहीं लग रहा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंड कर देंगे, क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड किसके हिसाब से किए बताओ आप लोग, किस रो के अनुसार किए एक्सपेंड, इस कॉलम के अनुसार, सॉरी रो के अनुसार नहीं किए, क्या किए, सॉरी एक सेकंड रुक जाना, एक्सपेंड किसके अनुसार किए, इस रो के अनुसार। क्यों किए बताओ आप लोग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो जीरो है, सिंपली हमारे पास दो जीरो आ जाएंगे और इसके अबाउट करेंगे वन के अबाउट, तो वन का रो कॉलम छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकलने के घर पर आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और निकालते हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा होगा बात। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या बचता है, देखो मल्टीप्लीकेशन मुझे लगता है आप लोग से हो जाएगा, मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो पॉज करके वीडियो। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन का, सी ए माइनस, ठीक है यहाँ पर सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसी टाइप का पूरा मल्टीप्लीकेशन आया। ये वाला क्या ब्रैकेट के, ये वाला पार्ट ब्रैकेट के बाहर है और ये वाला पार्ट ब्रैकेट के भीतर है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर है, चलो मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं और क्या होता है वो भी देखते हैं। ठीक, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए, अब कुछ कटने वाला पार्ट है वो कट जाएगा। ठीक, कौन सा कटने वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग कुछ दिखाई दे रहेगा, ये मान लो अगर सी माइनस ए यहाँ पर है और यहाँ क्या है ये सी ए वाला, सी माइनस ए कट जाएगा। ठीक, सी ए कट जाएगा यहाँ पर। और एक देख चीज़ देख सकते हैं हम लोग, सी एक्स जो है यहाँ पर भी सी एक्स कट जाएगा, एक्स बी है यहाँ क्या होगा बी एक्स, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और ए एक्स होगा यहाँ पर और क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एक्स, ये कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बचेगा हमारे पास। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। जो कटने वाला हो काट देना है आप लोगों को, जो नहीं कटने वाला होगा वो क्या है छोड़ देना है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग किसको किसको काटें, इसको काटें, इसको काटें, ए सी नहीं यहाँ ए इसको बी एक्स सी एक्स ए एक्स एक्स बी, इसको उसको काटें आप लोग देख लेना। ठीक, बचा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में, हमारे पास हो जाएगा क्या देख लो, दो पार्ट इसका वैल्यू होता है आप लोगों को पता ही है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो दो पार्ट वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन हमारा क्या निकला था एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल गया एक्स के, एक्स का दो सॉल्यूशन निकला, तो वही आंसर हम लोग बताएंगे, वही हमारा क्या फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक,
समझ में आ रहा होगा। चलो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द गिवन मैट्रिक्स, कौन कौन है, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू क्या है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा लंबा होने वाला वीडियो, नीचे चैप्टर दिए हुए हैं ठीक है, कितना मतलब कौन कौन नंबर क्वेश्चन करके वहाँ जाके आप प्लीज़ आप लोग नोट कर लेना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर कितने पर, 19 पर मूव करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने नंबर मूव करते हैं, 19 पर, 19 पर मूव करते हैं। देखो अब ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, किसके सिमिलर है, ये भी क्वेश्चन सिमिलर है क्या, किस, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ सिमिलर है, आप समझ पाओगे तो अच्छी बात है, सिमिलर इस सेंस में है कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। देखो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएँ सिंपली एक्सपेंड करके तो बहुत ही बड़ा मल्टीप्लीकेशन होगा और हमारे दिमाग के तार हिल जाएंगे, ये बात आप भी मानते होगे ठीक, आपने करके देखा होगा सिंपली एक्सपेंड। तो एक्सपेंशन के झमेले से बचने के लिए रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। सब लोग सर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी क्यों है, बच्चे जरूरी इसलिए है ताकि आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जाता है गेट में या IAS में, जो क्वेश्चन आपका आता है एंट्रेंस एग्जाम में या आपका जो भी एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, इंटर सेमेस्टर एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो आपका, उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं, इसी तरह के टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ठीक, जिसमें आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, कुछ एक शॉर्ट रिजल्ट निकालना होता है, चाहे एक ही स्टेप का रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हो लेकिन लगाना जरूर पड़ता है ठीक। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना तो आपको पता चल ही जाएगा ठीक है, इसलिए थोड़ा रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं और ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर भी कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन ऑब्जर्वेशन देखेंगे, किसी किसी को जोड़ के हम क्या कुछ बन रहा है, देखो देखते हैं क्या क्या जोड़ के क्या बन रहा है, कोशिश में तो वही लगे हुए हैं। देखो यहाँ 2, 3 और यहाँ ये जोड़ते हैं, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 4, 10 to 12 और यहाँ 8, 6, 14, 14, 4, 18, मतलब हमारे 6 के मल्टीप्ला गए हैं और यहाँ जोड़ते हैं हम लोग इसको 1, 2, 3, यहाँ 3, 3, 6 और 4, 4, 9, मतलब हाँ आ रहा है ठीक। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 को चेंज करेंगे, क्या कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, मतलब सबको इसमें जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर देखते क्या था, बातें तो हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आएंगी, तो चलो डिटेल में देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और कॉलम 1 को चेंज करके क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, होगा क्या वो भी देख लेते हैं, होगा ये रिजल्ट आप लोग को दिख ही रहा होगा, सामने दिख रहा रिजल्ट, यही होगा हमारे पास रिजल्ट। इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये निकलेगा, तो सॉरी ये इन तीनों को जोड़ोगे तो ऊपर वाला निकलेगा, फिर ये वाला को जोड़ोगे दूसरा वाला निकलेगा, फिर ये वाला को जोड़ोगे तो ये वाला निकलेगा, क्लियर साफ साफ दिख ही रहा, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तीनों में से 3 कॉमन लेते हैं ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो 3 कॉमन नहीं ले रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, रो 2 को चेंज कर रहे हैं किससे हम, देखो यहाँ पर आप लोग रो 2 को चेंज कर रहे हैं, रो 2 माइनस 2 आर 1 ठीक है। रो 2 कौन है हमारे पास, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इन तीनों को और देखते हैं हम लोग क्या रो 2 कहाँ पर है हमारे पास, ये हमारे पास रहा रो 2, रो 2 को चेंज कैसे कर रहे हैं, रो 2 माइनस 2 आर 1, मतलब आर 1 से 2 माइनस कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर मेरा 12 कट जाएगा, यहाँ पर मेरा 4 कट जाएगा, यहाँ पर मेरा 6 कट जाएगा, सिंपल क्या डिजिट बचेगा, सिंपली R3 को चेंज करेंगे, R3 को 3R1 से माइनस करके चेंज करने वाले हैं ठीक। ज़्यादा डिटेल में देखते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं इस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ठीक, समझ में आएगा मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं तो और समझ में आएगा। देखो एक्चुअली में यही मैं करना चाह रहा था ठीक, या तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो कॉमन नहीं लेना है तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो कि अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें माइनस करते हैं तो हमें कुछ कट जाएगा, और यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस करते हैं तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, कुछ बचेगा, जो कुछ बचेगा देख लिया जाएगा क्या बचता है ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या 12x कट गया, 6x कट गया, 4x कटा, यहाँ पर बचा क्या 1, यहाँ क्या कटा 6x कट गया, यहाँ भी 1 बचा ठीक। सिमिलरली यहाँ पर क्या है 18x कट गया, यहाँ 9 और 9 कट गया, मतलब बहुत सारे टर्म्स हमारे पास कट जा रहे हैं और आसानी से हमारे पास क्या सिंपली एक्स और 1 में टर्म बच रहा है ठीक। तब तो हम क्या आसानी से फिर एक्सपेंड कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि 0 और इसमें आ गया है ठीक। तो चलो इसका एक्सपेंशन तो इसको खोल के देखते हैं बचा क्या हमारे पास ठीक है, खोल के देखते हैं इसको बचा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास देखो, देखो सेम चीज़ फिर रिपीट हो गया, सेम स्लाइड फिर रिपीट हुआ है
तो चलो देखते हैं बचने वाला क्या है हमारे पास। तो देखो बचेगा हमारे पास ये, ठीक। आप लोग कॉपी में करके देख लेना क्या क्या बचेगा। अब क्या करेंगे, सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं इसके अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं और देखते हैं। देखो अब बोलोगे सर यहाँ आप एक्सपेंड क्यों किए। देखो एक्सपेंड करने का मेथड क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो बन चुका है, हमको क्या आगे कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ इसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सबसे शॉर्ट तरीका से निकालें, क्योंकि मैट्रिक्स के बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत लेंदी प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक। थोड़ा सोचे समझे उसके बाद एनालाइज करें फिर बनाए, ठीक। टाइम दे, अचानक से ही हड़बड़ा के चलाने जाना आंसर पर थोड़ा सा टाइम दे, 1 मिनट 2 मिनट दे, फिर 3 मिनट से आप सॉल्यूशन की ओर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। अब कैसे अप्रोच करना है वो आप पर डिपेंड करता है, समझ में आ रहा होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसके बाद क्या बचेगा, -x -6। देखो यहाँ पर क्या बच रहा, यहाँ बचा -x = 0 और 6x+3 = 0, ये दो बचेंगे, तो x = 0 और x = 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 2 सॉल्यूशन हो जाएगा, x = 0 x = -1/2। लगता है मुझे समझ में, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक। या कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट हो सर, आपको आपकी बातें समझ में नहीं आती है सर, या कुछ भी कोई भी डाउट हो, जनरल क्वेरी भी हो, वो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसके रिप्लाई करूँ और बेस्ट से बेस्ट तरीके से रिप्लाई करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। मैं ट्राई बहुत हार्ड करता हूँ, लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी किसी से एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ट्राई करता हूँ मैं बहुत हार्ड, आप लोग कोशिश करो या आप लोग भी कुछ समझ पाओ अच्छे से। अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 20 मूव करते हैं और इस चैप्टर की एंडिंग करते हैं और इस वीडियो को भी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, दिया हुआ प्रूफ दैट b² + c² a² मतलब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड के बराबर करना, मतलब 4a² + b² + c² के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिंपली चलो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें भी रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा दिया हुआ है तो इससे हम डायरेक्टली तो 4a² + b² + c² नहीं निकाल सकते। तो सिंपली 1 by 1 स्टेप करेंगे, सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर हम लोग क्या √1 + √2 + √3 कर दें तो कुछ बन सकता है, क्या बन सकता है। देखो यहाँ पर अगर आप लोग सिंपल ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, यहाँ पर सिंपल ऑब्जर्वेशन देखोगे तो ये सबको जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या 2 आएगा कॉमन, ठीक है। तीनों में 2 आएगा कॉमन, तो 2 हमारे लिए हो सकता है जरूरी, क्योंकि यहाँ पर बाहर 4 है, ठीक। तो वो हम लोग कर लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। 2 कॉमन नहीं, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, जैसा कि आप लोग दिख रहा है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लग गया है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा है, जिसमें हम लोग क्या आ गया है 2b² + c² 2a² + c² 2a² + b², ठीक। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास जो, उसके बाद देखते हैं क्या लगना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर देखो बचा है हमारे पास ये वाला पार्ट हमारे पास। अब इससे हम लोग आए देखते हैं क्या लगाना चाहिए हमें, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या हम लोग रो लगाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, वो भी हम लोग देखते हैं क्या लगाना चाहिए हमें। हम लोग अब क्या लगाना है, √2 को √3 से माइनस करें √2 = √3, मतलब ये जो रो है √2 को माइनस करें √2 - √3 से, तो b² - c² हुआ। यहाँ क्या बचेगा, c² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, b² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, b² - c² a² और -a² क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, समझ में आ रहा होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, √1 को √3 से माइनस कर देते हैं, तब क्या बचता है हमारे पास वो देखते हैं, ठीक। √1 को √3 से माइनस करेंगे क्या, c² है, यहाँ माइनस करेंगे तो c² कट जाएगा, यहाँ भी c² कट जाएगा, यहाँ क्या 0 हो जाएगा, ठीक। चलो माइनस करके वो भी देख लेते हैं हम लोग, तो हुआ क्या आखिर, तो यहाँ पर देखो सिंपली क्या हो गया, यहाँ से c² कैंसिल, यहाँ से c² कैंसिल, यहाँ से a² b² a² b² कैंसिल, ठीक। कहानी के लिए ऊपर हमारे पास का देखो, हमारे यहाँ पर अब मेन मोटो क्या जाएगा, सिंगल सिंगल टर्म रखना है, क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल टर्म हमारा मेन मोटो है, तो सिंगल टर्म हम लोग को रखना है, तो सिंगल टर्म की ओर मूव करते हैं, डबल टर्म हम लोग क्या एबोलिश करना, हटाना है, उसके लिए आप जो भी कर सकते हो, रो लगा कॉलम लगा, कोई दिक्कत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बचा क्या हमारे पास, ये वाला पार्ट। अब देखो सिंगल टर्म कहाँ नहीं बचा है, सिर्फ यहाँ पर सिंगल टर्म नहीं बचा है और यहाँ पर सिंगल टर्म नहीं बचा है, ठीक। तो अब यहाँ भी हम लोग को बुद्धि लगा के अपना सिंगल टर्म यहाँ से हटा देना है, मतलब डबल टर्म यहाँ से हटा देना, सिंगल टर्म लाना है, ठीक। तो दिमाग लगाते हैं क्या होना चाहिए आगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देख लो आप लोग ठीक से ध्यान से, कि हम लोग क्या करेंगे, इसको
जो ये वाला पार्ट है अगर आप इससे माइनस कर देते हो, रो टू को अगर आप रो वन से माइनस करते हो तब क्या बचता है देख लेते हैं वो भी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो बच जाएगा, इसको अगर इससे माइनस करते हैं तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर सिंगल टर्म बचेगा, और यहाँ पर सब सिंगल टर्म ही आ जाएंगे, सिर्फ ये एक डबल टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या उपाय लगा लेंगे, क्या होना चाहिए उसके लिए। ठीक, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्या होगा मैसी हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग क्या एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ खुद से ही मेहनत करें ताकि और आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसमें प्रॉब्लम की। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू सब आगे बढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ था, हमारे पास क्या बचा, ये वाला पार्ट हम लोग के पास बचा, फिर हम इसमें से एप्लीकेशन करेंगे। क्यों करेंगे बाबू बताओ आप लोग, क्योंकि हमको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कोई एक ही टर्म रखना है, तो क्या करेंगे इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, बात खत्म। ऐड कर देंगे तो ये भी बाबू जीरो हो जाएगा, ये पार्ट भी जीरो, और ये पार्ट क्या बचेगा, बी स्क्वायर। सिंपल, फिर सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा जैसा कि यहाँ आप लोग को दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग प्लीज़ मेंशन कर लेना, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़रूरी सब लिख के आना ताकि आप लोग को फुल मार्क्स मिले। ठीक, नहीं तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा सब स्थिति। इसमें क्या किए हम लोग, इसमें हम लोग क्या किए हैं, रो थ्री को चेंज कर दिए किससे, रो टू प्लस रो थ्री से। ठीक, मतलब रो थ्री से इसको कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, रो थ्री जोड़ दिए, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पर हम लोग पास क्या हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर जीरो, सी स्क्वायर जीरो माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये बचा। ठीक, अब हमारे पास सिंगल टर्म में आ चुका है, अब एक्सपेंड कर देते हैं, तो आपकी इच्छा एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे किसी के अवार्ड, चाहे रो वन के अवार्ड कीजिए या कॉलम वन के अवार्ड कीजिए, आंसर आपका सेम ही निकलेगा। एक्सपेंडिंग अवार्ड रो वन, रो वन के अवार्ड एक्सपेंड करते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं फटाक से बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, देखो अब एक्सपेंशन में थोड़ा ध्यान देखना, क्या देखना, ये देखो अगर बी स्क्वायर को हम लोग करते हैं, आप लोगों को पता ही है इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो जीरो इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ बाहर में है तो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर, बी स्क्वायर जो बाहर मल्टीप्लाई तो वो तो होगा ही। ठीक, सिमिलरली ए स्क्वायर के साथ भी वही होगा, इसका इसका रो कॉलम छोड़िएगा और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंपली क्या निकलेगा, यही पार्ट है ये पार्ट, और लास्ट वाला तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक्सपेंशन तो आप लोग आता होगा, इतना तो मुझे समझ में आता है। अगर एक्सपेंशन में आपको कोई डाउट है तो मैं एक स्पेशल वीडियो एक्सपेंशन में बना दूंगा, आप लोग प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक, समझ में आ रहा, हो गया इसको, ये वाला पार्ट हो गया। अब सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, यहाँ तो ये वाला पार्ट जीरो है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ये वाला पार्ट, और सिंपली क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो यहाँ पॉजिटिव ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, टोटल क्या दोनों को जोड़ क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टू, कितना जाएगा, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमारा प्रूफ करने का कंडीशन क्या था, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन क्या था, यही था कि फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं था, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ आप अपना देखो, हम जो मेथड लगाए हैं इसे कोई ज़रूरी नहीं कि यही सिमिलर आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कोई मेथड लगाओ लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, आसानी से आ जाना चाहिए, यही बात है। और रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपका कमांड होना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा दो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आखिर आप लोग को। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप मेरा ही सॉल्यूशन करो तभी आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन में होना क्या चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए और जल्दी आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आया बात, तो लास्ट में वही बात है फिर से दोहराऊंगा मैं। ठीक, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके आप वोट कर सकते हैं, वहाँ आपके नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कोई डाउट आए तो वहाँ पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, नेक्स्ट वीडियो आएंगे एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और ये हम ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इससे रिलेटेड जो डाउट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तीन चार क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो अगर सॉल्व हो जाते हैं तो मैं अपने जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, लव बनाए रखें, चैनल को ग्रोथ कराते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप ही का चैनल है, आप सपोर्ट कीजिएगा तो और आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते क्या होता है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारा मोटो है, हम पढ़ाते रहेंगे।